दोस्तों इसका नाम जरूर कमेंट में करके आप जरूर बताएं कि इस... क्या बच्चा आपका नाम क्या है? कीनू। लोग संजू देखेगी, संजना देखेगी, संजना बोली को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। चलो तो भाभी जी हमारे गांव का गेट ग्राम सभा कोर्ट कारगिल शहीद नायक सुभाष सिंह सजवाण जी की स्मृति में ये गेट बनाया गया है और ये आरक्षी नवीन सिंह सजवाण जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। गांव में सभी लोग फिलहाल उठ चुके हैं और आज का जो ब्लॉग है आप सभी लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के दिन हमारे गाँव में कारगिल शहीद श्री सुभाष सिंह सजवाण जी, जो कि हमारे दादाजी लगते हैं, उनकी स्मृति में हमारे गाँव में वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो आज हम सब लोग अपने गांव का जो हमारा पंचायती जंगल है वहां जाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे। और आप सभी को पता है कुछ अब 2 दिन बाद हमारा हरेला पर्व भी मनाया जा रहा है, उसके तहत भी मतलब आप मान सकते हैं कि जो हरेला पर्व है उसकी भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में करेंगे, उम्मीद मुझे है। तो आज का दिन क्या क्या स्पेशल होने वाला है आप सब ये देखो दोस्तों, हमारा डॉगी भी उठ चुका है खड़ा, ये उठ गया खड़ा और दूसरा भी नीचे में। ओए क्या कर रहा तू? ये दोस्त ने पूरा कहना मानते हैं, आजा बैठ यहाँ पे, बैठ नीचे, बैठो नीचे, बैठो, बहुत ही अच्छे से कहना मानते हैं। अब जैसे इसको बोलूँगा नीचे बैठ, सिट डाउन, नीचे बैठो, नीचे बैठो। अब देखो पहले आराम से ढूंढेगा अपने लिए बैठने के लिए, नीचे बैठो। तो इतने प्यारे हमारे डॉग हैं, हमारे डॉग कहना मानते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और थोड़ा सा बिगड़े हुए भी हैं क्योंकि 2 हैं ना, मस्ती बहुत करते हैं ये। हमारे गमले में भी दोस्तों छोटे छोटे फूल लग चुके हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, छोटे छोटे काफ़ी बड़े बड़े हो गए ये, अब तो थोड़ा थोड़ा लग ही रहे हैं अभी हर जगह। उनकी संख्या थोड़ा सा कम हो चुकी है क्योंकि अब वन अग्नि वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी थी बीच में। तो आज हम पूरा वृक्षारोपण करेंगे और लगभग 30 से 40 पेड़ तो होंगे, इतनी उम्मीद तो मुझे है। पर वैसे हम ग्राम प्रधान जी से भी बात करेंगे और सभी लोग आज हम जा रहे हैं और आप सबको दिखाएंगे वृक्षारोपण। और आप सब लोग भी अपने घरों में अगर वृक्षारोपण ना हो सके तो आप 1 या 2 पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि हरेला पर्व का मतलब ही यही है कि हम अपनी प्रकृति को हरे भरे रखने में हम कितना योगदान दे रहे हैं। तो आज सभी लोग हम लोग जाने वाले हैं, आप लोग भी अपने घरों में अगर हैं, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ मैं, आप लोग भी छोटी सी कोशिश करेंगे। इस प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है दोस्तों, और ये प्रकृति की बदौलत ही हम आज जीवित हैं। तो हमारा भी छोटा सा योगदान बनता है, 1-2 पेड़ हम जरूर लगाएं। जंगल में जो पेड़ लगना है, जो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो उसके लिए मैं घर से निकल गया हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया है, तो सारे लोग चले गए लगभग। तो मुझे भी ऊपर जाके 2 जगह जाना है, एक तो ज़रा थोड़ा हमारे गांव में हमारे घर में मतलब हमारे कुटुंब में थोड़ा सा कुछ पैसा ही है, कुछ मतलब एक काम है मतलब ना पूजा वगैरह टाइप का, तो वहाँ भी शामिल होना है, उसके बाद ऊपर जंगल में जाना है। शायद पहले मैं वहाँ जाऊँगा फिर उसके बाद जंगल में जाऊँगा। तो अभी चलते देखते हैं पंचायती घर में हैं भी कि सारे लोग चले गए, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारे बड़ी जी भी हैं ऊपर। तुम नहीं गए आज? तुम नहीं गए? तुम नहीं गए डालो लगान? हाँ, दोस्तों अभी हम मंदिर, ये हमारा पीछे माँ भगवती का मंदिर है और ये हमारा कुल इष्ट देव घंडाल देवता का मंदिर है। तो मंदिर में भी आजकल काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये आजकल पुस्ता लग रहा है नीचे से, ये इतना प्रोग्रेस हो चुका है और शायद ये शायद बराबर होगा ये लेवल, तब जाके वहाँ थोड़ा सा आंगन बढ़ जाएगा मंदिर का। और इसी के साथ ही दाजी बना मत नहीं गए बना आज? अच्छा जाएगी बोला है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक। तो गाइस हम भी चलते हैं ऊपर, थोड़ा देखते हैं ऊपर में अगर लोग होंगे तो उनके साथ ही चले जाएंगे, नहीं तो पहले अपना काम निपटा के फिर उसके। ये देखो दोस्त बूटिया डॉग, लक्की कब बूटिया डॉग कत्ते उल्लें दर्द है नहीं जो। ये बकरियां भी जंगल जा रही हैं। हाय बना कत्ती पाख रहा नहीं टोटल बता रहे 20-22 पहला ज़्यादा। ये भी जंगल जा रहे हैं आज, बक्की पान डाला भी लगे ला रहा है एक पंदु एक आज। हाँ 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 हमारे गांव का गेट ग्राम सभा कोर्ट कारगिल शहीद नायक सुभाष सिंह सजवाण जी की स्मृति में
ये गेट बनाया गया है। और ये आरक्षी नवीन सिंह सजवाण जी, कारगिल शहीद सुभाष सिंह सजवाण जी, इनकी स्मृति में ये जो गेट है हमारे गांव ग्राउंड का, और इन्हीं की स्मृति में आज पेड़ लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहा है। और शहीदों का बहुत योगदान हमारी इस पावन धरती को, और हम धन्य हैं ऐसे शहीद। जब जिस माटी में जन्म लेता है वो माटी ही मतलब अनमोल होती है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कोट मनियार, अपने गांव के जो पंचायती घर है उसमें पहुंच चुके हैं, और यहां पे पेड़ रखे हैं। ये हमारे चाचा जी, ये बिष्ट जी हो गए, और ये भाई जी। तो अभी ये पेड़ हैं जितने, वो सब ऊपर जंगल में जाएंगे जो हमारा पंचायती वन है ऊपर, और कुछ चले गए हैं। भाई जी की का डाल आ जाए गाँव कोटम हमारे आज बड़ा डाल लगाना। हाँ जी हाँ जी, बांज डाल, अच्छा और डाल, जामुन को डाल सन, हम सब लोग और तो जाओ, ये गुरा और डाल, हमारा बड़ा आग लगी, डाल सब फूकी गया ना, जो डाल लोग तो अपने बच्चों तक पूछ के दे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। और जो आधा आधा लोग जाएगी वाला, लगभग लगभग कितने डाल रहे वाला है, 30 से 40 आए रहे वाला, 140। तो दोस्तों 140 पेड़ यहाँ ग्राम सभा कोर्ट में है, और बहुत ही अच्छी बात है। और एक समृद्ध मतलब जो हमारा वन है, हमारी जो प्रकृति है, उसको बनाने के लिए सभी लोग कर रहे हैं। और ठीक ठाक है? हाँ जी सब बढ़िया। तेरे मम्मी ठीक है? सब बढ़िया। पकौड़ी भी आ चुकी है गाइस, मिर्च भी काट लें, पकौड़ी भी हमारे सेफ साहब। तो ये हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र, ये हमारे दास जी हैं जो इस ढोल को बजाना। तुम कितने साल हो गए नहीं बजाऊंगा बजाऊंगा दर पीढ़ी। तो 40 साल से हमारा ये ढोल वादन का जो कार्य कर रहे हैं। क्या है मेन? ये कसना, ये कसना बोलता ना, ये भी वीके बनता ना, ये चमड़ा का, चमड़ा का बनता ना, पूरे गए। जैसे देवी, जैसे दोस्तों देवी देवता यहाँ आते हैं, तो देवी देवता इनको पकड़ते हैं और पूरा अपना जो नृत्य होता है वो करते हैं जब वो अवतरित होते हैं किसी पे। तो हमारे वाद्य यंत्र हैं, सजोट है, है? कपड़ा कसना नहीं, सजोट एक कसना बढ़िया है ये वाला ना। अब कपड़ा का लगाना लोग जरा, सौके खाता ना, मीन यू बना, ये टूटता भी नहीं ना, बाबा यूं बराबर पकूद कुछ भी नहीं। ये हमारी ताई जी हैं, और ताई जी हमारे पकौड़न बनाने लगे हैं। तो दोस्तों अभी ये सामान जा रहा है ऊपर जंगल में, जो लोग कुछ चला गया, अरे कख दस बजे रसोई बुला पड़ो। तो दोस्तों आधा ज़्यादा सामान ऊपर जा रहा है जंगल में, और अभी यहाँ भी देखना है, डॉगी भूख रहा है हमको देख के। ऊपर मुझे भी जाना था थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा भी कुछ मेहमान लोग आ रहे हैं उनको भी देखना है। तो दोस्तों किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रहा हूँ जंगल, मुझे जाना था पर थोड़ा सा काम भी है यहाँ, क्योंकि मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा नहीं जा पा रहा हूँ। तो जो भी है कोशिश करूँगा मैं अभी जाने की, तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारा काम है, अभी खाना कुना बनाना है मेहमानों के लिए, सर्व वगैरह करना है उनको, तो इस वजह से तब देखते हैं जैसा भी होता है। वैसे हमारे भैया लोग चले गए, लगभग सब कुछ बनी है। ये पढ़ना, अरे परे सर लेना बस, अरे वो बाल बनाना चाहते ना 20 लीटर को। तो अभी तो अपने ताई लोगों के घर जा रहे हैं दोस्तों, परे सर लेना जान लगे 20 लीटर को वाले भात बनाऊँ, थोड़ा भांडा बना हुआ छोटा वाला भांडा, 20 लीटर परिसर पर भात बहुत बनो ला। मेरे ताई जी लोगों घर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना मस्त व्यू है यहाँ से। ये हमारा कोट गांव है, ये पूरा ये नीचे वाली रोड हो गई। पहले दोस्तों हमने 5 लीटर का परिसर ले लिया है अब्बू ने, अब इसके बाद चलते हैं हम सीधे, और ये परिसर पर बन लूँ गर्म गर्म भात। और थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि मैं यार जा नहीं पाया वहाँ ऊपर जंगल में, बड़ा मन था जाने का, आज वृक्षारोपण होना था, पर हमारे खास परिवार की बात है, वहाँ पे भी थोड़ा कार्य है,
तो उसको भी देखना पड़ेगा कारज, क्योंकि आपस में वो होंगे ना, आपस में एकदम अपना भीतर की बात है, तो बहुत सारी चीज़ें होंगे। पर कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जननी अगर आना जन मेहमान आला तो वहाँ के पास थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं भी चल जो लूँ, एक दो डाली मैं भी लगे जो लूँ। कम से कम 100 के समथिंग डाला जाए, 100 से ऊपर डाला जाए मत बढ़, क्योंकि खातर समोसा जगह पेप्सी जगह जो लोग लगाने लगे, क्योंकि खातर सब सुविधा हमारा जो गाँव का प्रधान जी जो बेची लोग हैं सबन करने व्यवस्था। तो अब देखो क्या होता है, थोड़ा कोशिश मैं भी करूँगा टाइम निकालने की, तो देखते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं, फिलहाल खाना खुना का क्या इशू है, क्या क्या बन रहा है तो दिखाते हैं आप सभी को। फिलहाल खाना तो बन चुका है, पर थोड़ा सा मेहमान होने वाला इस मतलब जो मेरी भूली है मेरे चाचा जी की लड़की, वही जन मतलब पिठे पानी आज होने लगी। पिठे पानी का मतलब होता है शादी की जैसे बात होती है तो उसका कन्फर्मेशन होता है एक हिसाब से, तो उसका वो होने जा रहा है, मेहमान आने वाले हैं। तो अगर ये ब्लॉग संजना देखेगी, संजना बोली को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दोस्तों इसका नाम ज़रूर कमेंट में करके आप ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा अक्सर इसमें गेहूं जो या फिर जंगूर डाल दी गेहूँ या कहीं दीवा जग दो, तब ये तो क्या बोल रहा हाँ जी। कह लें पकौड़ी और कुछ दोस्तों, आज हम फिर से आपको मिलाने वाले हैं अपने पंडित जी से, और हमारे पंडित जी अपने कार्यभार में लगे हैं और अब धीरे पहुंचने वाले। कपड़ा पहुँचने बोलो, चंबा पहुंच गए ना, चंबा पहुंच गए तगड़े। तो बस हमारे दीदी, हाय हेलो। क्या है बच्चा, आपका नाम क्या है? कीनू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। यूकेजी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? टर्मल में पढ़ती है। अच्छा, इन बन रही क्यों दोगड़ी बोल, दोगड़ी बन, इन अभी दोगड़ी बन रही है। इसी के साथ मेहमान आ चुके हैं, पूजा वाला कमरा। अरे वक्त यार तुम रग भग मन मीट पकौड़े खाने, मीट पकौड़ा हाँ तो दोस्तों हमारी सारी पूरी खत्म हो चुकी है और अभी और पूरी बनेगी और आटा गूंदने लगे अभी। दोस्तों ये वीडियोस और ये फोटोज मुझे टीम नवदिशा के द्वारा मुझे प्राप्त हुई हैं, जो कि वृक्षारोपण के दौरान कुछ फोटोज उनके द्वारा भेजी गई। दोस्तों मुझे खेद है मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, पर मैं अपने घर में जरूर वृक्षारोपण करूँगा। तो फाइनली दोस्तों काम कुम सब निपट चुका है, मेहमानों ने भी खाना खा लिया है, अब मैं हम लोग भी खा रहे हैं। ये हमारा अब्बू भाई है, अब्बू खानो कहना अब्बू बने बढ़िया ना। तो दोस्तों अब खाते हैं, हम भी खाते हैं खाना, उसके बाद चलते हैं। और गांव से ऊपर से जिन्होंने जो लोग ऊपर गए थे अब पेड़ पूड़ लगाने, वो भी आ गए हैं। थोड़ा सा अपना घर इस वजह से मैं नहीं जा पाया, थोड़ा सा मतलब मेहमान वगैरह सब लोग को देखना था। तो कोई नहीं, जो उसके वीडियोस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और सभी लोगों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच।